नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, ये हमारी जो 5 वीडियो की सीरीज चल रही है उसका पार्ट 5 है, मतलब ये लास्ट वीडियो है जिसमें मैं आपके लिए ये बताने वाला हूँ कि एनसीसी के स्टूडेंट्स अगर आप हैं, अगर आपने स्कूल टाइम पे एनसीसी का कोर्स किया है तो आपके लिए इसका क्या क्या फ़ायदा मिलता है आर्मी में और आपके लिए कितना मार्क्स मिलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो इससे पहले मैं 4 पार्ट पब्लिश कर चुका हूँ उसमें मैं आपके लिए बता चुका हूँ आपकी एज, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हाइट, वेट और जो भी आर्मी के फिजिकल, आर्मी की भर्ती देखने के लिए आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। आप किसी भी स्टेट के क्यों ना हो, मैंने पूरी इंडिया के स्टेट को इन 4 वीडियो में कवर किया है। ये दोस्तों लास्ट पार्ट है, पार्ट 5, जिसमें मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास में एनसीसी के ए, बी और सी सर्टिफिकेट हैं या आपके पास में ओ लेवल का सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का, तो आपके लिए जो रिटर्न एग्जाम में मार्क्स दिए जाते हैं वो कितने मार्क्स दिए जाते हैं। मेरे पास में काफ़ी स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स भी आते रहते हैं कि सर बताइए, तो उन्हीं के कमेंट्स के लिए मैंने ये वीडियो बनानी स्टार्ट की थी। तो दोस्तों, फाइनली वीडियो बन चुकी है और आप देख रहे हैं इस वीडियो के लिए। वीडियो आपको पसंद आएगी मैं जानता हूँ। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, बोनस मार्क्स जो मिलते हैं वो आपके लिए एनसीसी के ए, बी, सी सर्टिफिकेट तीनों के लिए अलग अलग मिलते हैं और आपके पास में अगर कंप्यूटर का ओ लेवल सर्टिफिकेट है तो भी आपके लिए जो है वो कुछ मार्क्स दिए जाते हैं। तो कितने मार्क्स दिए जाते हैं जानेंगे आगे की वीडियो में। तो ग्रांट ऑफ एडिशनल बोनस मार्क्स, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है, उसके बाद में सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर स्टोर कीपर, टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट दिए हुए हैं। उसके बाद में ट्रेड्समैन है यहाँ पे, ये हैं आपकी कैटेगरीज। तो अगर आपके पास में एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है और आप सोल्जर जनरल ड्यूटी या फिर ट्रेड्समैन की भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सॉरी दोस्तों, ओनली सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए अगर आप भर्ती देख रहे हैं तो आपके लिए 5 मार्क्स मिलते हैं और सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल और सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की अगर आप भर्ती देख रहे हैं तो आपके लिए 5 मार्क्स मिलते हैं और ट्रेड्समैन की भर्ती देख रहे हैं तो भी आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। इसका मतलब अगर आपके पास में एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आप आर्मी की किसी भी ट्रेड में भर्ती देख रहे हैं जो कि ऊपर लिखी हुई हैं, आपके लिए ओनली 5 मार्क्स दिए जाएंगे एज बोनस मार्क्स। तो नेक्स्ट पे आता है दोस्तों एनसीसी का बी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास में एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आप सोल्जर जनरल ड्यूटी में अगर आप भर्ती देख रहे हैं तो आपके लिए 10 मार्क्स और क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती देखेंगे तो आपके लिए 10 मार्क्स और ट्रेड्समैन की भर्ती के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो भी आपको 10 मार्क्स ही मिलेंगे। तो इसका मतलब अगर आपके पास में एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो जो ट्रेड्स ऊपर लिखी हुई हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आपको 5 मार्क्स और अगर आपके पास में बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। अभी दोस्तों सबसे बात करते हैं सबसे मेन सर्टिफिकेट जो कि एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होता है। तो अगर आपके पास में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट और आपकी उसमें कोई भी ग्रेडिंग है, यहाँ पर ग्रेडिंग मैटर नहीं रखती, चाहे आपकी ए, बी, सी कोई भी ग्रेडिंग हो, आपके पास में केवल एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आप पास होना चाहेंगे। तो दोस्तों अगर आप सोल्जर जनरल ड्यूटी की भर्ती देख रहे हैं तो सबसे अच्छी खबर आपके लिए ये है कि आपके लिए जो CEE होता है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, उसमें आप पास माने जाएंगे। आपके लिए कोई भी एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं होगी, आप केवल फिजिकल और मेडिकल को क्लियर करेंगे और आप रिटर्न में ऑटोमेटिकली पास हो जाएंगे केवल सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए। और आपके पास में अगर सी सर्टिफिकेट है तो सोल्जर जनरल ड्यूटी वालों के लिए रिटर्न नहीं देना होगा। और आप अगर सोल्जर क्लर्क्स, स्टोर कीपर, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अगर आप भर्ती देख रहे हैं तो आपको एनसीसी का सी सर्टिफिकेट वालों के लिए मार्क्स मिलते हैं 15 मार्क्स और अगर आप ट्रेडमैन की भर्ती देखेंगे तो आपके लिए सेम एस जी डी, कोई भी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो दिया हुआ है CEE नहीं देना होगा। तो सी सर्टिफिकेट वालों के लिए GD और ट्रेड्समैन का रिटर्न माफ होता है, उनके लिए रिटर्न की आवश्यकता देने की नहीं होती है। और बाकी ट्रेड्स जो बची हैं जैसे कि स्टोर कीपर है, टेक्निकल है और सोल्जर क्लर्क है, नर्सिंग असिस्टेंट है, इनके लिए आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। तो आपके दिमाग में एनसीसी से संबंधित जो भी डाउट था वो क्लियर हो गए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर के ओ लेवल सर्टिफिकेट की। तो अगर आपके पास में है कंप्यूटर का ओ लेवल सर्टिफिकेट जो कि इशू किया गया है
सोसाइटी के माध्यम से। तो अगर आपके पास में ओ लेवल सर्टिफिकेट है तो आपके लिए जनरल ड्यूटी के लिए कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अगर आप भर्ती देख रहे हैं तो आपके लिए 15 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। सोल्जर क्लर्क एंड स्टोर कीपर ओनली के लिए आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे अगर आपके पास में कंप्यूटर का ओ लेवल सर्टिफिकेट है तो। नेक्स्ट आता है दोस्तों स्पोर्ट्समैन नेशनल ऑब्लिक स्टेट लेवल। तो अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं और आप नेशनल या स्टेट लेवल के स्पोर्ट्समैन हैं तो आपके लिए सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए 20 मार्क्स, सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर और सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 20 मार्क्स और ट्रेड्समैन के लिए 20 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आप स्टेट लेवल के खिलाड़ी हैं तो आपके लिए किसी भी कैटेगरी में आप भर्ती देखेंगे तो आपको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो ये थे दोस्तों आपका ओ लेवल सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्समैन और एनसीसी के सर्टिफिकेट में आपको कितने कितने मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं, किस ट्रेड के लिए, वो मैं आपके लिए बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम डॉक्टर ऑफ सर्विसमैन, डॉक्टर ऑफ एक्स सर्विसमैन, डॉक्टर ऑफ वॉर विडोज, डॉक्टर ऑफ विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड विडो ऑफ डिफेंस पर्सनल। अगर आप इन कैटेगरी से हैं तो आपके लिए सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए 20 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। मतलब अगर आप डॉटर ऑफ सर्विसमैन हैं, डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, डॉटर ऑफ वॉर विडोज, डॉटर ऑफ विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन या विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल हैं तो आपके लिए 20 मार्क्स सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए दिए जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए नमस्कार।